हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत अच्छा काम करने और सुबह सुबह का टाइम है, तो ये दिन हर किसी की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर से ज़रूर आता है। और मैं पहुँच जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है मेरे लिए, तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं स्मार्ट सिटी सतना में है, और आज सुबह सुबह का टाइम है, धूप अच्छी है क्योंकि बारिश हुई थी कल। तो अभी मैं आ जाई हूँ अपने प्लाट में, जहाँ के आज मैं करने वाली हूँ भूमि पूजन। आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है भूमि पूजन का। तो अभी कुछ कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं और कुछ कुछ चल रही हैं। और ये हैं पंडित जी, पंडित जी आग लगा रहे हैं। और ये हैं घर के मालिक, जो कि सुबह होते ही एकदम कहाँ गए मालिक, गायब हो गए। सुबह होते ही एकदम नहाने के बाद ये उस बार का है ना। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पूजा। तो अब चलिए मैं सब तैयारियाँ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गोबर से लीप दिया है, यहाँ पे चौक बनाएंगे पंडित जी, और ये कलश वगैरह मैंने पूरा रख दिया है यहाँ पे, और कुछ कुछ सामान अभी हम लोग निकाल रहे हैं। अब सामान कहाँ है, पान सुपारी है, हाँ सब है, आ रहा है अगरबत्ती। तो एक तरफ पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं और एक तरफ ये नपाई उपाई हो रही है। यहीं पे लोग चूना वगैरह डालेंगे। चूना कल भी पड़ा था लेकिन बारिश के कारण पूरा धुल गया था, तो आज फिर से वही प्रोसेस होगा। पूजा भी हो जाएगी उसकी। मिल गया था बिप्पू ये चांदी वाला। हाँ कहें तो कि सतना बंद रहा था। धामी रक्षे मा चल मा चलिन बिंदु बोली राजा दान बिंदु महाला। ओम हरि ओम वनस्पति वसोदभूतम गंधाढ्यम आगे सर्वदेवानां धूपम समर्पयामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि वक्रकुंड महाकाया सूर्यकोटिसमप्रभम निर्विघ्नम कुरु मे धूपम दीपम समर्पयामि। खोसी कलश में खोल दीजिए अंदर। ओम नाभ्याय सी दंशी सो देहु समता सोत्रा लोकानल कन्नम तो। हाँ ये ले लीजिए आप, थाली लोटा अगरबत्ती माचिस है ना। चलिए हाँ ईशान कौन चल ये पकड़ो, इसको टीकना पड़ेगा ना पंडित जी। अरे पूजा कर दीजिए नारियल की, खींच दिए कुशा से। आचतम गंगा जमुना सरस्वती रे वापस नींद में ना चली जम श्याम नाम समर्पयामि चंद्रमा मन सो सूर चक्षु सो जाता सोत्रा वाहिन से मुखा दिन न जाते सोचना। हाँ चावल उसमें धर दीजिए थोड़ा। तो अभी हम लोग प्लाट के चारों कोनों में पूजा करेंगे, और मेन पूजा प्लाट के सेंटर में होती है, तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
बस हो आप भी कर दीजिए थोड़ा पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गंगा आचतम कुकुमं कामना दिव्यं कामना प्राणां पुण्यक्षकं श्रीखं कन्नं दिव्यं गंधाद्यं सुमनोरं विलेखनं चननं प्रगहतां चननं समर्पयामि। हो गण ओम अग्निस्पर्शमिदं स्यान्न माल्यादीनि नैनितानि पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि जो त्यागे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आदि सुख संपत्ति घर आदि कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किस की स्वामी शरण गहूँ मैं किस की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा लगाए रही हाथ आस करूँ मैं किस की तीन हाथ लगा चाहिए। जगदीश हरि तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि श्री जगदीश पियारथ जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट दूर करी। ओम जय जगदीश हरि हरि ओम कर्पूर गौरम करुणाकरते स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत खलकानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो दया मैं तुम को मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरि दीन बांधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ
मोरे नहीं। फूल के पूजा नहीं करा मैं। चिन्ह ओम चंद्रमा मनसो सूर्य चुटोजाता शोत्रालोपानर्चकं समर्पयामि। ये हो गया। हाँ थोड़ा आरती बना ली। हाँ सब मोरे तो आए तो नहीं जले का करो। तो फाइनली पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है और मौसम अगेन बारिश वाला हो रहा है। देखिए दिए कि नहीं, ये सब काम धाम भी लगे, थोड़ी देर में जैसी भी आएगी। तो फाइनली पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है और हमारा भूमि पूजन बहुत अच्छे से हो गया है और अपन लोग यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, जेसीबी आने वाली है उसी का। और ये लोग अभी कुछ कुछ काम कर रहे हैं। तो घर तो इन्हीं लोगों को बनाना है, मेरे भाई को बनाना है, वो यहीं पे रहेगा, ज़्यादातर वही बनाएगा और हम लोग तो थोड़ा सा बाहर रहेंगे। तो मैं ब्लॉग बनाते आती रहूँगी बीच बीच में। आज मैं भूमि पूजन का ब्लॉग बनाने आई हूँ, फिर कुछ दिन में आऊँगी, फिर कुछ दिन में गृह प्रवेश का ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन घर तो इन्हीं लोगों को बनाना पड़ेगा ना। तो फाइनली पूजा पाठ हम लोग कर लिए हैं, भूमि पूजन हो गया। भगवान इनको हिम्मत दे, शक्ति दे छोटे छोटे कंधों को घर बनाने की। मैं तो ब्लॉग बनाने आती रहूँगी बीच बीच में, आज आई हूँ ब्लॉग बनाने। अब सीधे